हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें पिछली बार रह गई थी, उन्हें भी आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये जो संदेश मैं दे रहा हूँ ये सीधा सीधा सुशांत के सभी फैंस, सभी फॉलोअर्स, वेल विशर्स के लिए है। आज आप सब लोग अलग थलग नहीं हैं, आज आप सब लोग एक सिंगल यूनिट हैं, सुशांत के फॉलोअर्स या फैंस के नाम से जाने जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा। आप लोग जो ये गालियाँ दे रहे हैं, गालियाँ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं किसी के लिए भी, आप ये सब प्लीज़ तुरंत से पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग सुशांत की और सुशांत के केस की क्रेडिबिलिटी जो होती है उसे कम कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता को कम कर रहे हैं। हल्के में लिया जाएगा फिर हमें। आज अगर हमारे को सीरियसली लिया जाए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सीरियसली पेश भी आएँ। हम लोग अगर इस तरह की ज़बान, जो बड़ी हल्की ज़बान है, इस्तेमाल करेंगे तो हमें कोई सीरियसली नहीं लेगा। दोस्तों, आज देखिए, एक बहुत ही बड़े एमपी हैं, सीनियर एमपी हैं बीजेपी के, श्री सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये केस के लिए सीबीआई जांच की मांग के बात छेड़ दी है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जिसे कहते हैं जीत है कि देखिए, सोशल मीडिया पर ही सिर्फ बात हो रही है, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो अब इस चीज़ से दरकिनार हो चुके हैं। मैं न्यूज़ चैनल से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वो लोग क्या कहें, उन्हें जो बिकता है सिर्फ उनको इमोशन लेस होके वो लोग बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे क्योंकि रियल इमोशंस हैं रियल पीपल के, तो वी आर कमिंग फॉरवर्ड एंड वी आर पुटिंग फॉरवर्ड अवर इमोशंस। तो उसी का जो शोर मचा है, जिसकी वजह से श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ आप सुशांत के सभी फैंस की इस बात को सीरियसली लीजिए और प्लीज़ आप इस बात को आगे बढ़ाइए। आप लोगों से मैं यही कहूँगा, प्लीज़ गालियाँ देना बंद कर दीजिए, प्लीज़ कुछ भी बुरा लिखना बंद कर दीजिए किसी के बारे में भी, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के किसी के ऊपर भी गाली देना या बोलना जो होता है वो बेवकूफ़ी, और हम लोग हल्के नज़र आते हैं। प्लीज़ हम लोगों को हल्का मत बनाइए, आपकी ये बातें हमारे केस को नुकसान पहुँचाएंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो मैंने पिछली बार बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स का नाम लिया था, उनमें से एक खास तौर पर ऐसा आदमी है जिसे सुशांत की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ था, जिसे रामलीला मिले, जिसे बेफिक्रे मिली, वो है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रणवीर, आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ कि आप भाई इतना एंटरटेन करते हो। जब भी किसी का इंटरव्यू चल रहा होता है तो मैंने देखा है आप बीच में घुस जाते हो, आप लाइमलाइट दूसरों से छीनने की कोशिश करते हो, आप एंटरटेन करते हो, कोई बुरी नीयत से आप नहीं करते हो, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब इंटरव्यूज चल रहे होते हैं तब तो आप बीच में चले जाते थे, चाहे वो सुशांत और अंकिता का इंटरव्यू हो, चाहे वो फवाद खान का इंटरव्यू हो, या कोई स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हो तो आप नीचे से शोर मचा मचा के अपनी तरफ कैमरा बुलवाने की कोशिश करते थे। आज आप डायरेक्टली तो आपने कुछ नहीं किया है भाई, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको फ़ायदा तो हुआ ना उसके मिसफॉर्चून का, क्योंकि जो फिल्में उसके हिस्से की थी वो आपको मिली। तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है भाई कि आप एक बार आके उसके फैन से बात करें या सीबीआई की जांच के लिए मांग करें? आप प्लीज़ इस बारे में सोचिएगा। आई एम श्योर यू आर अ वेरी गुड गाय, आप बहुत अच्छे इंसान लगते भी हैं, आप मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, हम सबके चहेते हैं, लेकिन प्लीज़ रणवीर, आप इस बारे में सोचिए कि आपको भी इस बारे में बात करनी चाहिए। दूसरा जो शख्स है मैं जिनके बारे में बोलूँगा वो है महेंद्र सिंह धोनी जी। वो हमारे देश के बहुत ही बड़े क्रिकेटर रहे हैं, शायद इंडिया के ऑल टाइम टॉप 5 क्रिकेटर्स में से एक हैं वो। देखिए धोनी साहब, आपका मैं भी बड़ा फ़ैन हूँ। आपके पहली इनिंग्स जब आप 0 पे आउट हुए से, तब से लेकर आपकी आखिरी इनिंग्स जब आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन आउट हो गए, तब तक मैं आपका फ़ैन रहा हूँ। आप समझ सकते हैं मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ। ये आपकी रिटायरमेंट का मसला नहीं है धोनी, कि आप चुप रहें और देश अंदाजे लगाता रहे, और इसमें विराट कोहली भी बेचारा अंदाजे लगा रहा है, रवि शास्त्री भी अंदाजे लगा रहा है, ये वो वाला मसला नहीं है भाई। ये एक लड़के की मौत हो गई है, वो लड़का जिसने आपका रोल स्क्रीन के ऊपर निभाया था, तो आपने एज़ प्रोड्यूसर अरबों रुपया कमाया है उस फिल्म से। ऐसे मेरे को बताया गया है कि आप ही उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक थे, या आपको उस फिल्म से बहुत फ़ायदा हुआ। तो महेंद्र सिंह धोनी जी, आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप आगे आएं, अपनी चुप्पी तोड़ें और प्लीज़ कुछ इस बारे में बोलें, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है। आप जैसे हैवी वेट लोगों का, आप सोसाइटी के वो लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपने कभी भाई भतीजावाद नहीं किया, आपने कभी जातिवाद नहीं किया, आपने कभी क्षेत्रवाद नहीं किया, आपकी वजह से ही इंडियन टीम आज इतनी स्ट्रांग है, आप और सौरव गांगुली जैसे जो दो लोग आए, क्योंकि आप लोगों ने पेरोकियल जिसे वर्ड कहते हैं ना, वो चीज़ पेरोकियलिज्म को हटा दिया आप लोगों ने पूरी तरह से। आप लोगों ने मेरिट पे लोगों को हमेशा जगह दी है,
तो आप लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बोलेंगे सर तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, प्लीज़ मेरी इस बात को ध्यान से गौर कीजिएगा। फिर तीसरे वो लोग हैं जो कि सुशांत के साथ में सीरियल्स में काम करते थे या उसके बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। वेर आर यू गाइस, जो टेलीविज़न के मेरे संगी साथी हैं, ये सब क्या है कि ये लोग अलग सीरियल्स में काम करते थे, हम लोगों ने साथ में कभी काम नहीं किया। अर्जुन को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, अर्जुन बिजलानी को, इज़ अ नाइस गाय। अर्जुन वाई आर यू कीपिंग क्वाइट ब्रो, यू नो यू न्यू सुशांत वेरी वेल, आई बिलीव आप लोग इंटरफेस में आसपास में आप लोगों के फ्लैट्स थे, आप लोग दोस्त थे, आप अगर कुछ बोलोगे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। फिर उसके बाद ऋत्विक धनजानी और जो पवित्र रिश्ता की बाकी कास्ट है, वो लोग क्यों नहीं बात कर रही है? जिन लड़कियों ने उसके साथ में काम किया, कृति सनोन, परिणीति चोपड़ा एंड इवन अंकिता लोखंडे और जो भी बाकी लोग हैं, मैं ज़्यादा उसके काम ऐसे नहीं देखा तो, बट जिन जिन लोगों ने उसके साथ में काम किया है, वाई आर दे कमिंग फॉरवर्ड, वाई आर दे डिमांडिंग अ CBI इंक्वायरी? क्योंकि मेरे अकेले के बोलने से सर क्या होगा? ये आप समझिए कि मैं किसी युद्ध क्षेत्र में चला गया हूँ और मैं एक माचिस की तीली किसी के हाथ में हूँ, माचिस की तीली एक तरफ और सामने बड़ी बड़ी तलवारें हों तो मेरी क्या औकात है? ये सब जब तक बड़ी बड़ी तलवारें नहीं निकलेंगी तब तक ये लड़ाई थोड़ी होगी, मैं माचिस की तीली से थोड़ी कुछ बात बन पाएगी। तो प्लीज़ आप लोग सब थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए ना भाई, आप लोग भी बोलिए। मैं जिन लोगों से, देखिए मेरा मन तो है कि जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं वो आकर बोलें, क्योंकि सत्यमेव जयते जैसे सीरियल में बैठकर बोलना बड़ा आसान है आमिर खान साहब, क्योंकि वहाँ पर आप कई बार हमने आपके इमोशंस भी देखे, कई बार हमने आपकी बड़ी परोपकार की जो आपकी भावना है उसे भी हमने डिस्प्ले पर देखा। तो सर यहाँ पर नहीं दिख रहा, वो लड़का तो आपके साथ ही फिल्म में पीके में था भी, आप लोगों का एक एसोसिएशन भी है, तो सर आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, आपकी जो वर्चुओसिटी है, आपकी जो अच्छा करने की जो क्षमता है वो दुनिया में बहुत मशहूर है। तो सर आप प्लीज़ आगे आइए, आमिर साहब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा बस चले तो मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब के बाद प्राइम मिनिस्टर बना दूँ, मैं आपको इतना पसंद करता हूँ, आपकी मैं विचारधारा से इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ, आप इतने अच्छे आदमी लगते हैं मुझे, बट सर आपकी चुप्पी भी मुझे समझ से बाहर लग रही है, क्योंकि बाकी लोग तो चलो ठीक है, कई लोग सिर्फ कमर्शियल बातें करते हैं, कमर्शियल बिहेवियर करते हैं, उन लोगों से तो मैं क्या उम्मीद करूं, लेकिन आमिर सर आपने सत्यमेव जयते जैसा सीरियल किया है, आप अगर चुप रहेंगे तो सर कैसे चलेगा? ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग आके आके कुछ बात कीजिए ना, मेरे अकेले से बात नहीं बन पा रही सर, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। मैं मुझसे कई लोग बोल रहे हैं कि तुम पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हो, तुम स्मॉल टाइम एक्टर हो, कई लोग मेरे जो समर्थक हैं वो मुझे कहते हैं तुम अपने आप को स्मॉल टाइम मत बोलो। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या हूँ, मैं स्मॉल टाइम हूँ कि नहीं हूँ? भाई मेरे मैं मुझे मुद्दा मत बनाइए प्लीज़, आई एम अ नोबडी, आप समझ लीजिए मेरा कोई फेस ही नहीं है, मेरा नाम भी नहीं है इसमें। क्योंकि जो चीज़ ज़रूरी है वो है उस लड़के को इंसाफ दिलाना, क्योंकि अभी क्या हो गया, श्री अमिताभ बच्चन जी और उनके सुपुत्र को कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है, अभी सारा का सारा ध्यान, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट भाई, हमें बड़ा अफसोस है, अमिताभ साहब तो मेरे फादर के जैसे हैं, मैं मेरे अपने पिता नहीं है, मैं उन्हीं को ही अपना पिता मानता हूँ। अब आप सोचिए कि मैं उन लोगों को कितना प्यार करता होऊंगा जिन्हें अपने फादर की जगह दे रहा हूँ, उन्हें कुछ हो गया तो मुझे भी उतना ही अफसोस होगा जितना उनके घर वालों को होगा, लेकिन उस सब के बीच में ये केस, हमारा वाला केस सुशांत का दब नहीं जाना चाहिए भाई, इसे ज़िंदा रखिए प्लीज़। तो मैं सरकार से ये बोलता हूँ कि भाई अगर आपको लगता है कि CBI बहुत बिजी है, बहुत इंपॉर्टेंट वो एक संस्था है, जो कि है भी बहुत बड़ी संस्था है, CBI है, पुलिस है, ये लोग बहुत ओवरवर्क्ड है, हमारा देश 137 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनके पास में रिसोर्सेज कम है, पैसे कम है, कुछ भी कम है, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप हमें बोल दीजिए, सुशांत के फैंस के बिहाफ पे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हम लोग पैसा इकट्ठा करके आपको दे देंगे, आप बोलिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी आपको चाहिए, हम लोग आपको वो पैसा दे देंगे सर, आप इसे एक पेड इन्वेस्टिगेशन समझ के कर लीजिए, हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं आप लोग, हम तो हक से बोलते हैं पैसा दे देंगे आपको, फिर क्या आपके पास में एक्सक्यूज रह जाएगा इसे ना करने का? तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो कि मतलब मैं उन्हें युग पुरुष मानता हूँ सर, आप तो मतलब आपके सामने मैं कुछ बोलने की भी औकात नहीं रखता, आप पर्वत हैं और मैं एक छोटा सा कंकड़ भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ सर आप कुछ कीजिए, अमित शाह जी आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग तो हमारे देश के जिसे कहते हैं ना कि आन बान और शान है, आप लोग प्लीज़ उस लड़के को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि सर 50 SIM कार्ड कोई नहीं खरीदता है, कौन उसके घर में आया गया ये अड़ोस पड़ोस की बिल्डिंग्स के CCTV से भी पता चलाया जा सकता है, आप देखिए कि पिछले 6 महीने में कितनी बार वो CCTV खराब हुआ था, उसी दिन क्यों काम नहीं कर रहा था, बड़े सारे सवाल हैं सर जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, पुलिस को आके एक एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए जिसमें इन सब सवालों का जवाब देना चाहिए उन्हें।
और मैं वापस एक बार फैन से कहूँगा, प्लीज़ नो बैड वर्ड्स, सुशांत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है दोस्तों, हमें ध्यान रखना इस बात का।